What time is it? Peanut butter jelly time. Peanut butter reaction video time. Where you at? Where you at? There you go. Peanut butter jelly, baby. Peanut butter jelly. Peanut butter jelly. Now let's get to some reacting because I'm excited to see this video. Super excited. It's the top 10 Bollywood movies of all time. Top 10 of all time. I'm excited to see this list. I want to see if I've seen some of them. Because you know, Bollywood, it was the movies that first got my attention. And then it was the songs with the movies that won my heart. And now, it's just come out. My heart and soul is like, I got the soul of an Indian. It's been revealed, like it's been buried in there. I didn't even know it until I came across all this and y'all opened my eyes to it. And now that's all I can think about. That's all I talk about. That's all I react on. Well, other stuff too I love. But this has been my newest obsession, right? And I'm proud of it. So let's get it started. Have you subscribed? Let's look around. Where's that button? And it even got the little button with the little bell you can click to get notifications when a video goes up. So y'all can click that too. And follow me on my Instagrams, Geekly Amanda, GeekeyAmanda, Amanda, and same on Twitter. Ready? Are y'all ready to get this started? Top 10 Bollywood movies of all time. Go. Filmen to bahut dekhi hongi aapne. Lekin agar aapne ye filmen nahi dekhi. Watch these. Oh, you think? Kuch nahi dekha. Okay, let's see. Balatkar pe balatkar ki. Namaskar. watchmuje.com पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की 10 सबसे बड़ी, सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट इन 10 ग्रेट मूवीज। ओके, लेट्स कहां है? मुझे नहीं पता। हमने हर दशक से पिक वन मूवी फ्रॉम ईच डेकेड। सो दिस इज इवन गोइंग फ्रॉम ईच डेकेड और कमाल के आधार पर चुना है। आज तक आपने जितनी भी लिस्ट देखी है, दिस विल बी गुड बिकॉज़ आई हैवंट सीन लाइक अ लॉट ऑफ द ओल्ड स्टफ। आई एम जस्ट रिप्लाइंग ऑन वेडनेसडे। नंबर चाहे वो नसरुद्दीन शाह की एक्टिंग हो, अनुपम खेर हो या जिमी शेरगिल, हर किसी ने इस फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग की है। आज अचानक स्टूपिड कॉमन मैन कैसे जाग गया? फिल्म में अनुपम खेर का किरदार असल जिंदगी में मुंबई पुलिस ऑफिसर राकेश मारिया से इंस्पायर्ड है। नसीरुद्दीन शाह का किरदार पहले नाना पाटेकर को ऑफर किया गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और बहुत अच्छा क्रिटिकल अक्लेम भी मिला। फिल्म को 3 बार फिर से तमिल, तेलुगु और हॉलीवुड में बनाया गया। उनकी कहानी और शानदार डायलॉग आपको 1 मिनट के लिए Because that's Tollywood. I know the difference. आप जानते हैं कि कपड़े धोने का साबुन तक एक पोटेंशियल बॉम्ब होता है। ऐसा शहर जिसे नींद नहीं आती। नंबर 9 पर है सत्या। एक अमिताभ बच्चन। I never heard of this one. 1998 में आई राम गोपाल वर्मा की 1998 बिना किसी स्टार के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, साथ ही 6 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते। अनुराग कश्यप द्वारा लिखी इस फिल्म को दुनिया की सबसे अच्छी गैंगस्टर फिल्मों में से एक माना जाता है। इसमें मनोज वाजपेयी के रोल को काफी सराहा गया और साथ ही इसे कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। क्या डेंजर स्टोरी, क्या डेंजर फिल्म है। 8 ऑस्कर जीतने वाले फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के डायरेक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि सत्या उनकी इंस्पिरेशन थी। सत्या को 90s की बेस्ट फिल्म और बॉलीवुड की ग्रेटेस्ट फिल्मों में से एक माना जाता है। सपने में मिलती है I'm sending you मेरे हस्बैंड का फेवरेट। नंबर 8 द लंच बॉक्स। लाइफ इज वेरी बिजी दीस डेज। I've heard of this one. And everyone wants what the other has. क्या आप कभी ऐसे इंसान से प्यार कर सकते हैं जिसे आप कभी ना मिले? अगर हाँ, तो ये फिल्म आपके लिए है। वैसे तो बहुत सी लव स्टोरीज बॉलीवुड में बनती हैं, लेकिन ये एक अनोखी कहानी है। इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और निमरत कौर की एक्टिंग से सजी ये फिल्म आपके दिल को छू लेगी। आंटी ये थोड़ा अजीब नहीं है, ये चिट्ठी विट्ठी। 35 नॉमिनेशन और 29 अवार्ड जीतने वाली भारत की ये पहली फिल्म है। रितेश बत्रा की ये फिल्म टेक्निकली ब्रिलियंट होने के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर भी सुपरहिट रही थी।
इस फिल्म को बनाने से पहले रितेश बत्रा ने मुंबई के डब्बा वालों पर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई और निमृत कौर ने इस फिल्म के लिए 6 महीने तक रिहर्सल की थी। कुछ घंटों के लिए सोचने लगी कि दिल का रास्ता वाकई उम्मीद की जा रही थी कि ये भारत की पहली ऑस्कर जीतने वाली फिल्म साबित होगी, लेकिन ये फिल्म भी इंडियन पॉलिटिक्स के और इसकी बजाय गुजराती फिल्म द गुड रोड को ऑस्कर के लिए भेज दिया गया। मुंबई का असली चेहरा दिखाती है। ये इरफान खान की पहली फिल्म है, लेकिन शायद ही वो बॉक्स ऑफिस पर तो ये फिल्म कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन क्रिटिकली ये फिल्म दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। ये भारत की एकमात्र फिल्म है जिसे ऑस्कर्स, गोल्डन ग्लोब और ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड्स तीनों में नॉमिनेशन मिला। दवा के लिए पैसा चाहिए। शफीक सईद जो इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है, उनको इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। फिल्म में दिखाए गए अधिकतर बच्चे असली झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे थे। फिल्म से पहले उनको स्पेशली ट्रेन किया गया। सलाम बॉम्बे से पहले इस फिल्म का नाम चल बॉम्बे चल था। फिल्म के अधिकतर सीन रियल लोकेशन पर शूट किए गए। ए चाय पाओ, चाय तो चाबी कितना हो। नंबर 6, लगान। I haven't seen this one. I never even heard about this one. Why haven't you been telling me about this? फिल्म ब्रिटिश राज के एक सूखा पीड़ित गांव की कहानी है। जब किसान अंग्रेजों से लगान कम करने की मांग करते हैं, तब अंग्रेज प्रस्ताव देते हैं कि अगर क्रिकेट के खेल में गांव वासियों ने उनको हरा दिया तो लगान माफ कर दिया जाएगा। चुनौती स्वीकार करने के बाद गांव वालों पर क्या सीखती है, यही फिल्म की कहानी है। फिल्म को कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले और ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली फिल्म 4 घंटे की होने के बावजूद अपने इमोशन को बरकरार रखती है। में रिलीज हुई ये फिल्म 1893 की कहानी है। फिल्म का म्यूजिक एआर रहमान तथा डायरेक्शन आशुतोष गोवारिकर ने किया है। फिल्म का पहला कट 7.5 घंटे का था। फिल्म की शूटिंग गुजरात के भुज गांव में की गई है, जो शूट के 6 महीने बाद तबाह हो गया था। Number 5. Guide. Oh, well, this is an old one. I will give y'all this one because this is from 1965. So this is an old one. Devanand aur Wahida Rehman ki ye romantic drama film Bharat ki classical filmon mein se ek hai. R.K. Narayan ke novel par adharit Vijay Anand ki ye film बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। फिल्म को आज भी शानदार एक्टिंग और एसडी बर्मन की शानदार म्यूजिक के लिए याद किया जाता है। फिल्म की कहानी राजू के एक दोस्त है जो टूरिस्ट को ऐतिहासिक जगहों पर घुमाकर अपनी कमाई करता है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी और उसकी युवा पत्नी रोजी, जो कि वैश्या की बेटी है, के साथ शहर में गुफाओं में कुछ शोध करना चाहता है और अपने गाइड के रूप में राजू को काम देता है। ये भारत की पहली फिल्म थी जिसे 4 बड़े फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म मिले। देवानंद की पहली फिल्म जो 2 वर्जन में रिलीज हुई थी, इंग्लिश वर्जन के डायरेक्टर टेड डेनिलोवस्की और हिंदी फिल्म के डायरेक्टर देवानंद के छोटे भाई विजय आनंद थे। नंबर 4, मुगले आजम। इस फिल्म के बारे में जितना बोला जाए उतना कम ही सफलतम फिल्मों में से एक है। इसे के आसिफ के शानदार निर्देशन, भव्य सेटों और बेहतरीन संगीतों के लिए आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म को बनने में 16 साल लगे। जब बॉलीवुड की फिल्में सिर्फ 10 लाख में बन जाया करती थी, तब इस फिल्म का सिर्फ एक गाना प्यार किया तो डरना क्या को 1 करोड़ में बनाया गया था।
लता मंगेशकर ने गाना बाथरूम में गाया था। फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ रिश्ते में दिलीप कुमार की बहन अख्तर आसिफ के पति थे। युद्ध के सीक्वेंस के लिए 2000 ऊंट, 4000 घोड़े और 8000 सैनिक इंडियन आर्मी से लिए गए थे। फिल्म में इस्तेमाल हुई कृष्ण भगवान की मूर्ति असली सोने की थी। फिल्म को 3 बार हिंदी, तमिल और इंग्लिश में शूट किया गया था, पर इसका तमिल वर्जन कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। और 2004 में की गई रिसर्च में पाया गया कि इसकी कोई भी इंग्लिश कॉपीज अब अवेलेबल नहीं है। इसी दिन के लिए हमने माना। Too bad I'm not hearing everything they say because my I have the subtitles on. It's not working. बड़ी होनी चाहिए, लंबी। Number 3. So I'm missing a lot. आनंद। Never heard of this one. ऊपर वाले के हाथ है जहाँ। Never heard of this one either. आप बदल सकते हैं ना मैं। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की जबरदस्त केमिस्ट्री और गुलजार के लिखे हुए डायलॉग आपको मजबूर कर देंगे कि आप इस फिल्म को बार बार देखें। एक डॉक्टर और एक मरीज का क्या रिश्ता होता है, इस फिल्म से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। इस फिल्म की रेटिंग IMDb पर किसी भी अन्य हिंदी फिल्म से ज्यादा है। 6 फिल्मफेयर और बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड जीतने वाली ये फिल्म आपको हंसाती है, रुलाती है और आनंद महसूस करवाती है। You don't agree with this list. You don't agree with this list. This is supposed to be the top 10 Bollywood movies of all time. फिल्म का गाना जिंदगी कैसी है पहले बैकग्राउंड स्कोर के लिए चुना गया था, लेकिन राजेश खन्ना ने गाना सुनने के बाद सोचा कि इतना अच्छा गाना बैकग्राउंड स्कोर के लिए यूज करना गाने को वेस्ट करना होगा। ऋषिकेश मुखर्जी आनंद के रोल के लिए राज कपूर को लेना चाहते थे, लेकिन उस समय राज कपूर बीमारी से जूझ रहे थे और खुद को स्क्रीन पर मरता हुआ नहीं देख सकते थे। नंबर 2 Mother India. Well, this is from the 50s too. This is from the 50s, so I've never heard of any of these. वो आजादी के बाद के भारत को सबके सामने रखी है। I don't know if I want to see that one. I mean the name Mother India, I mean that's something I want to watch, but then it doesn't look like it's very nice. फिल्मों में गिनी जाती है। ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली भारत की पहली फिल्म बनी, लेकिन एक वोट की वजह से जीत ना सकी। इसके अलावा दुनिया भर में इसे कई अवार्ड्स मिले। इसे स्पेनिश, फ्रेंच और रशियन भाषा में भी डब किया गया और दुनिया भर में इसने बेहतरीन कमाई की। नरगिस और सुनील दत्त की एक्टिंग, महबूब खान के डायरेक्शन और नौशाद के म्यूजिक से सजी ये फिल्म एक मास्टरपीस है और इसे दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट फिल्मों में से एक माना गया है। नंबर 1 बताने से पहले कुछ फिल्में जो हमारी लिस्ट में जगह नहीं बना सकी। क्या चाहते हो? 3 8 किताबें सर, बुक्स। I heard of this one. All right, y'all told me to watch that one, right? The Three Idiots. Oh, now they're showing. Is this honorable mentions? जब तक तेरे पर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। Number 1. Oh, but I haven't heard it all. I thought Three Idiots was going to be next. But they did mention Three Idiots on there. अगर आप हिंदुस्तानी हैं और अभी तक आपने शोले नहीं देखी तो आप कर रहे नंबर 1. I never heard of this one. क्या एक्शन, क्या डायलॉग, क्या कहानी। इस फिल्म के लिए एक ही शब्द है मेरे पास, वाह। फिल्म का हर किरदार अपने आप में एक जीवित किरदार लगता है। कुछ बहुत अच्छा होने से पहले बहुत बुरा होता है, ऐसा ही इस फिल्म के साथ हुआ। शुरू में ना इसे क्रिटिक्स ने पसंद किया और ना ही जनता ने, लेकिन जब ये फिल्म चली तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये वो फिल्म है जिसे हर जनरेशन के लोग पसंद करते हैं। ये वो फिल्म है जिसके डायलॉग बच्चे बच्चे को याद है। मुंबई के मिनर्वा टॉकीज में 5 साल से भी ज्यादा चली ये फिल्म आज भी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में से एक है। 2005 में इसे पिछले 50 सालों की बेस्ट फिल्म के अवार्ड से भी नवाजा गया। फिल्म के किरदार जय और वीरू असल जिंदगी में फिल्म के लेखक सलीम खान के कॉलेज फ्रेंड्स थे। धर्मेंद्र ने इस फिल्म में कोई भी मेकअप यूज नहीं किया है। वीरू का टंकी पर चढ़ने वाला सीन असल जिंदगी से लिया गया है। अमिताभ बच्चन का किरदार
पहले शत्रुघ्न सिन्हा लेकिन उनके मना करने के बाद धर्मेंद्र की सिफारिश पर अमिताभ बच्चन को ये किरदार मिला। फिल्म की शूटिंग बेंगलोर के पास हुई और इसका क्लाइमेक्स दो बार शूट किया गया। एक में ठाकुर गब्बर को मार देता है और दूसरे में गब्बर को पुलिस पकड़कर ले जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज watchmojo.com को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और शुड वी मेबी वी शुड जस्ट मेक आवर ओन लिस्ट शुड वी जस्ट मेक आवर ओन लिस्ट व्हाट इफ वी डिड दैट I think that's a great idea. Why don't y'all give me, this is what, I'll make Crazy Amanda's top 10 favorite, and it's just not going to be Bollywood. It will be Tollywood. It will be, well, Mollywood's in there, if we can find some, right? I'm making the Indiewood list, top 10 movies. Now I got to watch them all. I've been watching a lot, but I still haven't got the Three Idiots. I still haven't watched that one. And then that Ek villain, remember we were talking about that, the Ek villain, and I did the trailer reaction for it, and I went to look it up because I wanted to watch it yesterday, and I couldn't find it on my Netflix, I couldn't find it on my Amazon Primes, none of those, so some of them I don't know how I'm going to see to make this, but I think we need to make a list. I think y'all should comment on like your top 10s, and I start checking them out, and we make our own list. Should we do that? I think we should. It's going to be the best list ever. Best list! All right, y'all. Till next time. You know what to do.